नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यः जगन्नाथाय ते नमः। प्रभु जगन्नाथंकर अपार करुणारु ए महान आध्यात्मिक कार्यक्रम तुम्हें जगन्नाथ तुम्हें परम ब्रह्म को मु आपण मानको स्वागत करुछि। कलिजुगर भक्त मानक सहित लीलामय ठाकुरंकर लीला को आमे श्रवण करुथिले। पूर्व अध्याय रे बंधु महांती धरिछंती गोटिए पुओ को कांधरे, सहधर्मिणी धरिछंती गोटिए कन्या को काकरे, आउ गोटिए कन्या आगरे आगरे चालीसी। चारि दिन चारि राति कष्ट करी बाटरे बसिछंती उठिछंती झरणार जल पीछंती, एणे भोक उपास रे पाद चालुनाही। से कालिया शांत को भरोसा करी बंधु महांतींकर बंधु दीनबंधु को भरोसा करी से आसी क्षेत्रवर रे पहुँची जाइंटी। आम पूर्व अध्याय आलोचना करते आज प्रसंग को आम आगे नवा श्रीक्षेत्र पहुँची से कौन करूँ। प्रवेश सिंह द्वार ठार देखिले बेतुआ पार, बेतुआ आमर सीटी से जो जोड़ी बेत बाजे से प्रकृत रे से गोटे पवित्र क्षेत्र। ये जो बेत बाजे सिंह द्वार बाजवा मात्रे से बेत पातक छाड़ जाए ताकि गौर बेत बोली कहती। कारण षोल पूजा से बेत पूजा बसंती आमर अपूर्व क्षेत्र सीठी कौटी सीना चाउल रू भात आमर सी भात रू चाउल है कौटी सीना माड़ खाइले किए माड़ दे लोक जोरीमाना दिए इटे आमर माड़ खाइया लोक जोरीमाना दिए कि अपूर्व संस्कृति अपूर्व मिलन आमर ये देखु। तेणु प्रवेश सिंह द्वार ठार देखिले बेतुआ पार बहुत होई आकट माछी गलिबा नाही बाट से द्वारे पशी न पारिले दूर हूँ रही अनाइल। मंदिर भितर पशी बोली बाहर थे ये भिड़ होती बेतुआ जगी रही बेड़ी कड़ी पड़ी बाट बंद हो लक्ष लक्ष भक्त माने समागम होती से भावुले किमती पशी जा भगवान पाखे आनंद बजार बुली किसी जदि महाप्रसाद मो भाग्य जुटि था मो पा मुहर दे था यही भाव ये तो कि उपास रहा ना ये तो खाली कुड़ुआ छाटीदे भी पेट पूरी तेणु यही भाव से पिला धरिकी आसती किंतु आ मंदिर भितर पशि पारे ना। बहुत होट मछी गलिबा नाही बाट से द्वारे पशी न पारे दूर रही अनाइले पतित पावन को देखी सुपल कले चर्म आकी तऊ चलिले अति सुखे मिलिले दक्षिण पाखे बसिले पेज नला ठारे जे गोरु गाई को संगरे देखी ता पत्नी बोले तई एठारे बसिल कि पाई। आश्चर्य हो गल कह गोरु गाई ठिया होती बंधु महांती जानते बंधुंर पेज नलाटा कौपटे से भाविले सीना खाइबा को किसी मिलला ना किंतु पीवा को मिल सीठी किसी अभाव ना तेणु से दक्षिण द्वार पेजनला बाट को जितने पहुँचिले पा मान को लेकिन पहुँचिले स्त्री पचारूँगी कह तुम्हें षंढ गाई गोरु इटी मेल मेल तुम यहाँ भितर कौन बसीच इटी तुम कौन पशुच ये कौन एक कौन तेणु एक जितेबाद सी पचारे आश्चर्य हो जाऊँगी बसिले पेज नला ठारे जे गोरु गाई कसंगे देखी ता पत्नी बोले तई एठारे बसिल कि पाई देख हे संध्या काल अति अंधार बेलु बेल बेगे तो बंधु घर जीवा मुंजीण शरीर तोषिवा। हे गाई गोरु षंढक मेल को आसी बसुच तुम बंधुघर को चलुन बेल तो अवसान है संज नई राति बंधुघर चिन्हे कि न चिन्हे आम मत कहीदल गले तो किसी खाइबा आम तो पिला बोक उपास आउटपाउट होती तुम चलुन तो बंधुघर को जी बेल होन्न न दे से पुणी मागिबा तो हूँ पेज पाणी एमंत बोहिले सुंदरी बालक माता हाथ धरी भोमा तो लागू अच्छी भोक गलाटी प्राण देख रख ता शुणी बंधु कहे धीरे पुत्र दुहिता आगरे आज निश्चय बंधु घर किचुर होपार आ बहुत देशु बंधु माने आसी अच्छा ताबुवन कह देख
ଆମେ ଯେମିତି ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆସିଛୁ, ଆଜି ବହୁତ ଦେଶରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ତରତର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଜି ଆଉ ଏତେ ଉପାୟ ନାହିଁ ଯେ ଉଛୁର ହେଉଛୁ ବୋଲି ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ, ନାହିଁ କି କେତେ କେତେ ବନ୍ଧୁ କେତେ କେତେ ଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ନା? ଆଉ ଖାଲି ଆମେ ଏମିତି ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପେଲା ପଣ କରି ଯାଇ ମାଡ଼େ ତା ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଏଥକୁ ବିଚାର ତୁମନେ ରାତ୍ର ବଞ୍ଚିବା ଏଇ କହିଲେ ଠେଲି ପେଲି ହେଇକି ଯିବ, ବାଡ଼େଇକିରି ତଡ଼ିଦେବେ। ଆମ ବନ୍ଧୁର ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା ଅଛି, ସେ ଜଗୁଆଳି ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ବଡ଼ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟେ ସହଜରେ ଯାଇହେବ, ବରଂ ଏଇଠି ରହିଯିବା, ଏଇଠି ଶୋଇଯିବା ଆଜି ରାତିକ, ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ବନ୍ଧୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଖାଇବା। ଆଉ ଆଉ ଦ୍ୱାରେ ବେତୁଆ ଜଗିଛନ୍ତି ବୁଝି ସଙ୍କୋଳି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପଲାପଣ କରି ଯାଇ ମାଡ଼େ ତା ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଏଥକୁ ବିଚାର ତୁମନେ ରାତ୍ର ବଞ୍ଚିବା ଏଇ ସ୍ଥାନେ ପେଜ କୁଣ୍ଡରୁ ପେଜ ଆଣି ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ରଜନୀ ପ୍ରଭାତରୁ ଯିବା ଏକାନ୍ତେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଛାମୁରେ ଜଣାଇବା ଦୁଃଖ ବୋଲିବା ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ରଖ କେବଳ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଏକଥା ମନକୁ ଯୋଗାଇ ଶୁଣି ଯୁବତୀ ବୋଲେ ହେଉ ଆଣନ୍ତ ପେଜ ପ୍ରାଣ ରହୁ ବନ୍ଧୁ ଚଳିଲେ ଏହା ଶୁଣି ଛଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆ ଗୋଟି ଆଣି ସେ ପେଜ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ାଇ ପତ୍ନୀକି ଦିଅନ୍ତି ବଢ଼ାଇ ପୁତ୍ର ଦୁହି ତା ପତ୍ନୀ ଆଗେ ପେଜ ପିଇଲେ କ୍ଷୁଧା ଭାବେ ଉଦର ଭରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସେଇଠାରେ ଶୋଇ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଅତି ତୋଷେ ଲୟ ଲଗାଇ ପ୍ରଭୁ ପାସେ ବୋଇଲା ନମ ଦାରୁ ହରି ଚର ଚରେ ଅଛ ପୁରୀ ସକଳ ଯିବେ ପଡ଼ିଦାତା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନାହିଁ କି ବାରତା। ପେଜ କୁଣ୍ଡରୁ ପିଇଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୋଟେ କୁଡ଼ୁଆ ନେଇ ଆଇଲେ, ଆମର ତ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କୁଡ଼ୁଆ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ କୁଡ଼ୁଆ ପେଜ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ପିଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ପଥଶ୍ରମର ବାଧା, ସିଆଡ଼େ ଭୋକ ଉପାସରେ ଥିଲେ, ସେ ଭୋକ ଉପାସ ବେଳକୁ ଇଏ ପେଜ ତୋରାଣୀ ଯେମିତି ଟିକିଏ ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କି ଆଉ ନିଦ ହେଇନାହିଁ, ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଲୟ। ହେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ, ଏମାନେ ସିନା ବୁଝିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଲି, ମୋ ବନ୍ଧୁ ଘର ଏଠି କିଏ ଅଛି ତୁମେ ବ୍ୟତୀତ? ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ମୋ ବନ୍ଧୁ ଘର କିଏ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ରୋଷେଇବାସ ହେଉଥିବ, ଆମକୁ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତୁମେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ବୋଲି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତୁମେ କାଳିଆ ଠାକୁର ବଳିଆର ଭୁଜ ବୋଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପେଜ ପିଆଇକି ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ଭାବନା ରାତି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠୁ ନୁହଁ ବାହାର, ତୁ ନାଥ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର, ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କଲେ ହେଳା, ବୁଡ଼ିଲା ଚିନ୍ତା ଜଳେ ଭେଳା, କ୍ଷୁଧା ଅନଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୋଡ଼ି ମରୁଛୁ ଅକାରଣ, ତୋର କରୁଣା ବାରି ଦେଇ ଶୀତଳ କର ଭାବଗ୍ରାହୀ, ହେମନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ତୁତି କଲା, ପଥଶ୍ରମରେ ନିଦ୍ରା ଗଲା, ଏଥି ଉତାରୁ ଶୁଣ ମନ, ବଢ଼ିଲା ସେବା ପୂଜା ମାନ, ଧୂପ ପଞ୍ଚ ଅବକାଶ ଚଢ଼ାଉ ଲାଗି ଆଦିବେଶ, ବଡ଼ ସିଂହାର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଆସେ ସେଜାଇ ଖଟ ସେଜ ତୁଳି। ଭଗବାନଙ୍କର ପହୁଡ଼ ସମୟ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ହେଲା, ଭୋଗ ଲାଗି ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ, ବହୁଡ଼ିବେ କମଳା ବିଳାସ, ଶୋଭା ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ହେ ରାଧା ଇଶ ସମୟ ହେଇଛି। ସକାଳ ସେବା ବଢ଼ାଇଲେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ମୁଦ ଦେଲେ, ସକଳ ସେବା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆମର ଯେଉଁ ମୁଦ ଯାଏ ମାଟି ମୁଦ ଦିଆଯାଏ, ସେଥିରେ ଏବେ ସବୁ ନୀତି ଅଛି ଆମର ମନ୍ଦିରର, ତେଣୁ ମୁଦ ଦିଆହେଲା। ଦୀପ ଦିହୁଡ଼ି ଧରି ଥୋକେ ଦେଉଳେ ସାଧିଲେ ସେବକେ, ସକଳ କବାଟ ପକାଇ ବିଷମ ସଙ୍କୁଳି ଲଗାଇ କଞ୍ଚି ପକାଇ କାଠି ଧରି ଗଲେ ଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ସେବକ ଯେତେ ଥିଲେ ଯେ ଯାହାପୁରେ ଚଳିଗଲେ, ଏଥି ଉତାରୁ ଶୁଣ ଭାବ ଯେ ପ୍ରଭୁ କମଳା ବଲ୍ଲଭ, ସକଳ ଜୀବ ଚିନ୍ତାମଣି ଦିନ ବାନ୍ଧବ ଚକ୍ରପାଣି, ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ଲାଗିଲା ମନେ ଭୃତ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ଦେଉଳେ ବିଜେ ଭଗବାନ, ଭଣ୍ଡାର ଘର ରତ୍ନ ତାଳି ବେଗେ ଧଇଲେ ବନମାଳି, ତହିଁ ପୁରାଇ ଥାଳି ଅନ୍ନ ନାନାନ୍ଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ
अबड़ा व्यंजन को भरी गले प्रभु मो भक्त बत्सल भावग्राही ताकू आ निद ना एपटे बंधु महांति की निद ना सेपटे भगवान को निद ना मो मंदिर शोध है भंडा मशाल धरिकी मंदिर शोध कर आसिले कहीं जड़े रही ना जिते मुदाली मुद दे समस्त सेवक सामंत मैंने मंदिर प्रत्यावर्तन कले भगवान उठिले ताकू आ निद ना भक्त भाई सी भंडार घर गले गोटे सुवर्ण थाली आणले से अबड़ा व्यंजन खेचड़ी डाली डालमा तरकारी बेसर महुर मालपुआ सबू मो प्रभु तांकर जेते प्रकार दैवी भोग थिला मो प्रभु बंधु महांती पाखकु बंधु पाखकु भक्त पाखकु आणिकी दे देकी गले रात्र होई घड़ी सात दक्षिण द्वारे उपगत डाकिले बंधु नाम धरी ता शुणी बंधु हेतु करी बोइले शुण आग सही ए क्षेत्रे केते बंधु नाही के अबाडा का कुडा कुची मुकी पा जीबी से कहले ये क्षेत्र में किए कार बंधु ना नाई तुमको जड़े किए बंधु बंधु डाकुं तुमरी बंधु बोधे आसमे कौन मो कथा शुणु न बंधु डाकुं के बा कहाकू डाकुची मुकीपा जीवी गो मुर्गा खी ये मंत बोली कुतुनि हते शुणी डाकिले जगन्नाथ आंटे डाकिले नारायण जाजपुरिया बंधु शुण कुटुंब घेनी संगत उछुणु ओ मे पेज नलाठारे कुटुंब घेनी संगत रही पेज नलाठारे बहन हो आसपाश डाकू अच्छी मुरी ग्रास ता शुणी बंधु अति तोषे जाई मिलला प्रभु पासे विप्र स्वरूप गोटी धरी बढ़ाई देले अन्न थाड़ी बोले भुंज सुस्थ हो काली सकालु तोते मुही खंजीबी अन्न वस्त्र जेते चिंता न कर तुम्हे चिते एमते कही भगवान तक्षणे हेले अंतर्ध्यान बंधु जे अन्न घेनी गले कुटुंब जाक उठाइले अन्न से तोई मध्यंगते बेढ़ीण बसिले समते पत्नी दुहिता से नंदन समस्ते कले एक भोजन उदर भरी सुत होई थाली धईले बेग होई कबाट धरी धीरे पेली डाकिले थाली निय बोली केड़े अपूर्व लीला प्रभुंकर डाकिले बंधु निय अन्न व्यंजन सुना थाली देले ये बोध मझीरे थोदे सारा परिवार बस पड़ी कि आनंद चारिदिन पांच दिन है खाई नथिले पथ श्रम आसी पेज टिके पी सोई जाइले बंधु निजे हाथ में जी देखते सुवर्ण थाली रे कोटी ब्रह्मांडर मालिक जोटी माँ लक्ष्मी सांताणी रांधि महाप्रसाद को परसी दे समस्त आनंद खाइले थाली नहीं द्वार मुहरें डाकिले दक्षिण द्वार प्रभु आसते कबाट बाहर डाकिले प्रभु नियंतु ये थाली नितने के बेल डाक दे के न शुणिले निराश हो धरी थाली बंधिले उठी गले चली छिंडा कना गुड़ी आई थोले सीम स्थाने नहीं एथि उतारू निशिशेष दिवस होइला प्रवेश काको कुकुट देले राव संसार दिशी लासुलभ सेवक सूचि मंत होई गले श्रीहरी सेवा पाई कबाट फिटाई देखिले जे जहा सेवार लगिले आ भंडार फिटाइले जाई देखिले रत्न थाड़ी ना प्रभु सेवा पूजा आरंभ हम सका पाई समस्त सेवक सामंत माने मंदिर भितर प्रवेश कर भंडार मेकअप जिते बड़े भंडार खोली देती रत्न थाड़ी ना आ भंडार फिटाइले जाई देखिले रत्न थाड़ी ना समस्ते होइले ता टका देउले पड़ी लाख टका भंडार सूप कार धरी बांधिले जोड़ी जोड़ी करी बाजिला बेत जे अनेक धाइले चारि दिगे लोक प्रभुंक घट सूत्र मान के ताहा करी पारे आन ये प्रभु लीलामय कर लीला ये लीला को किए आन कर किए खंडन कर भगवान तो बंधु को परसी सेवा पूजा खंजीबा व्यवस्था करार ये कथाटी प्रभु करी थाली से नहीं जाते सेवा पूजा हो पार था तेणु बंधु महांती की जो प्रकार निर्यातना दिजिव बंदी घरे रखापी जितेबले प्रभु सुना थाली सका खोजा पड़ा देखिले बंधु महांती छिंडा कोनारे बांधिक मुंड पाखे शोचार राजा पाक से खबर गला राजा कहले ईश्वर या बंदी कर
किंतु भगवान जगन्नाथ अर्धरात्रि राजा स्वप्नादेश देले से मोर बंधु मो जाजपुरिया बंधु मुझे सुना थाली परचिची आज ठारूँ दक्षिण पटे घर टीए निर्माण कर मंदिर रुख प्रतिदिन दीबेला खाइबा को देव यह आदेश दे प्रभु एवं गजपति स्वप्न को परिहार स्वप्न तेजी के आश्चर्य घर नर पूरा कंपी उठू दयना कर्पूर कस्तूरी बासन भाव भी मैं गजपति हाथ जोड़ी प्रणाम कर सका पाइला ठारूँ बंदीर मुक्ति कर सबुदिन कुटीर निर्माण कर खेई खजा कर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज प्रसंग को ये रखा जय जगन्नाथ। जदि आपण जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्म क्षेत्र निजुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। ऑडियम क्लिनिक सेंटर फॉर स्पीच एंड हियरिंग एठारे शिशु वयस्क मानकर श्रवण यंत्र वाटरप्रूफ श्रवण यंत्र स्पीच थेरापी और श्रवण परीक्षा उपलब्ध। मोबाइल नंबर 8050604137 9337868504। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।